दोस्तों, मेरे सीआई चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आज आपको बताएंगे कि एफ एंड टू फ्लोरिंग क्या होती है, इसके आइस कोड क्या होते हैं, डिज़ाइन क्राइटेरिया क्या होते हैं, ठीक है, इसमें क्या क्या मटेरियल यूज़ होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, और आप इस वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एफ एम का मतलब है फ्री मूवमेंट। फ्री मूवमेंट स्पेसिफिकेशन इम्प्लाइज मूवमेंट ऑफ एम एच ई है। जो हमारा वेयर हाउस होता है, जो इंडस्ट्री होती है, उसमें मटेरियल हैंडलिंग जो इक्विपमेंट होते हैं वो इजीली मूव हो जाए सारे डायरेक्शन में, ठीक है ना, अनडिफाइंड पाथ में। अनडिफाइंड पाथ का मतलब कि जिधर हमें जाना है उधर भी, और जिधर नहीं जाना है उधर भी इजीली हमारा मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट मूव हो जाए, ठीक है। लेजर एफ एम टू फ्लोर इंश्योर फास्टर एंड फ्लैटर फ्लोर्स। ये जो फ्लोर होता है, जो एफ एम टू फ्लोरिंग होती है, बहुत ही फास्ट होती है, ये फ्लैटर होती है, इसमें एंडोलेशन नहीं होता है, विच इज़ इम्परेटिव टू फ्लोर परफॉर्मेंस इन वेयर हाउस। और ये फ्लोर को बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती है, ठीक है, और कमर्शियल फैसिलिटीज भी देती है, यानी ये जो है कोई भी दिक्कत नहीं आती है इसके अंदर में, ठीक है ना। कोई भी कमर्शियल हम मूवमेंट करते हैं, जो हम हमारे गुड्स होते हैं, हमारी मशीन होती हैं जो मूव करती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, एकदम इजीली हम किसी भी डायरेक्शन में इस एफ एम टू फ्लोरिंग पर हम मूव कर सकते हैं विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन। ये तो हमारी एफ एम टू फ्लोरिंग होती है। इसका आई एस कोड क्या होता है? आई एस कोड जो होता है इसका एफ एम टू फ्लोरिंग का, TR 34 फोर्थ एडिशन है ये है। इसमें आप देखोगे तो सारे के सारे डिज़ाइन डाटा आपको मिल जाएंगे, TR 34। हम आपको ये TR 34 अभी ब्रीफ नहीं करेंगे, अगर आपको चाहिए समझना है तो आप कमेंट्स में जरूर डालना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर फ्लोरिंग डिज़ाइन एंड स्पेसिफिकेशन? फ्लोरिंग के डिज़ाइन क्या है और स्पेसिफिकेशन क्या है इसके, ठीक है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि एफ एम टू फ्लोरिंग इंडस्ट्रियल एरिया में करते हैं हम, ठीक है। इसमें जब भी फ्लोरिंग करेंगे उसमें कंक्रीट का M30 ग्रेड यूज़ करेंगे। उसके अंदर में जो M30 ग्रेड के अंदर में जो कंक्रीट है उसकी मात्रा 330 kg पर क्यूबिक मीटर होनी चाहिए, यानी 1 क्यूबिक मीटर के अंदर 330 kg बैग होने, 330 kg सीमेंट होने चाहिए, ठीक है, ठीक है। स्टील इसमें HYSG Fe 500 ये ग्रेड होने चाहिए स्टील के, ठीक है। एंटी टर्माइट, जब हम इसको बनाएं, एक्सकवेशन करें, बैकफिल करें और इस कॉम्पेक्शन करें, इसमें GSBW WM करें, तो इसमें हम ग्रेड स्लैब के नीचे जो है एंटी टर्माइट जरूर कर लें। एंटी टर्माइट पे भी हमने एक वीडियो बनाया है, मैं इसमें इस वीडियो में इसका डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, आप समझ देख लेना कैसे ATT होता है, ठीक है। अब हम अगर हम बताएंगे ATT क्या होता है, बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, इसलिए इसको लॉन्ग नहीं करना है, शॉर्ट में हम बताएंगे आपको, ठीक है। अच्छा, जो एफ एम टू फ्लोरिंग का जो लेवल होता है, जो बाहर का रोड होता है, जो इंटरनल रोड होता है, बाहर का मतलब वेयर हाउस के बाहर का रोड, एक्सटर्नल रोड नहीं है, जो गवर्नमेंट के रोड होते हैं, जो फैक्ट्री के अंदर के जो इंटरनल रोड होते हैं, उससे 1.2 मीटर अबव होना चाहिए एफ एम टू फ्लोर का लेवल, यानी वेयर हाउस के अंदर का फ्लोर, ठीक है, ये इसका लेवल होना चाहिए, ठीक है। एंड फ्लोर एंड ब्लू सब बेस ऑल द एडिक्वेटली डिजाइन टू विद होल्ड द लीड ऑफ द रैकिंग सिस्टम टू ए मिनिमम ऑफ 4-5 टन पर स्क्वायर मीटर एंड शेल बी केबल टू हैंडल MHE मूवमेंट 19 पंचर लोड टू टेक केयर ऑफ पैलेट। यानी देखो, इसका जो पॉइंट लोड है 5 टन पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए ग्रेड स्लैब का, जो इसका स्लैब का थिकनेस है पॉइंट लोड इतना होना चाहिए 1 स्क्वायर मीटर के अंदर में, और 9 टन पंचर लोड होना चाहिए। पंचर लोड जो होता है वो पैलेट के लिए होता है, जो उसके अंदर में रैक होता है उसके लिए पॉइंट लोड जो है 9 टन होना चाहिए। ये पॉइंट लोड हमेशा ज़्यादा होता है, जो UDL होता है वो हमेशा कम होता है, ठीक है। तो इन दोनों लोड पर डिज़ाइन करते हैं स्लैब को। मैक्सिमम द पोर साइज टू मिनिमाइज द जॉइंट। जो हमारा पैनल का साइज है, वो पैनल का साइज ज्यादा से ज्यादा बड़ा होना चाहिए ताकि जॉइंट्स में कम से कम आ सकें, कम से कम दें, छोटे छोटे पैनल नहीं होने चाहिए वरना ज्यादा जॉइंट आ जाएंगे उसके अंदर में। ऑल कंट्रोल जॉइंट इंटरनल एंड एक्सटर्नल टू बी फुली सील्ड इंक्लूड सॉकेट जॉइंट्स विद इन 24 आवर्स ऑफ द स्लैब बीइंग पोर्ड। स्लैब जब हमारी पोर्ड हो जाए, कास्ट हो जाए, उसके 24 घंटे के बाद में जो जॉइंट्स हैं उसके अंदर में वो कटिंग होना चाहिए, उसमें इजीली कट हो जाते हैं। अगर ज्यादा टाइम लग जाएगा तो वो कटने में मुश्किल हो जाएगा, और जो जॉइंट जो होते हैं हमारे 5 mm by 15 mm by 150 mm की डेप्थ में होते हैं, जो हमारे ग्रुप जॉइंट होते हैं उसके अंदर। पोस्ट हैंडओवर ऑफ द फ्लोर अलॉन्ग विद स्ट्रक्चरल सर्टिफिकेट इफ हेयर क्रैक्स फाउंड नीड टू बी रिपेयर। अगर उसके अंदर में हेयर क्रैक्स भी आ गए उसको जल्द से जल्द रिपेयर कर देना चाहिए, वरना वो बढ़ते रहते हैं और
स्ट्रक्चरली सर्टिफाइड होना चाहिए, सर्टिफाइड होना चाहिए। जो इसमें एजेंसी काम कर रही है वो जो फ्लोर का काम कर रही है उसको सर्टिफाई देना होना चाहिए कि भाई ये हम फ्लोर कर रहे हैं तो ये सर्टिफाइड है। ये फ्लोर की थिकनेस 150 से कम नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा हो सकती है लोड के अकॉर्डिंग। अगर हम लोड ज़्यादा ले रहे हैं तो ज़्यादा थिकनेस हो सकती है, लेकिन 150 से कम नहीं होना चाहिए, ऊपर ही होना चाहिए 150 से स्लैब की थिकनेस। लेइंग लेवलिंग एंड फिनिशिंग, कंक्रीट शुड बी लेवल कंपैक्टेड लार्ज लाइन लेजर स्किलेट मशीन विद टेलीस्कोपिक बूम। जो कंक्रीट है वो जो हमारी लेजर स्किलेट मशीन है उससे अच्छे से कॉम्पैक्ट होना चाहिए और लेवल होना चाहिए उससे। जो सरफेस का लेवल है वो अच्छे से टेलीस्कोपिक बूम के थ्रू लेवल होना चाहिए। कंक्रीट सरफेस टू हैव द लेवलिंग टॉलरेंस। जो FM2 फ्लोरिंग है एज पर TR-34 के अकॉर्डिंग टॉलरेंस सिर्फ प्लस माइनस 2 होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फ्लोर स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्टर शुड कैरी आउट फ्लैटनेस बाई यूजिंग लेजर गाइड राइट ऑन ट्रेवल्स बम कटर एंड चेक रोड विद RMC ऑफ अप्रूव सलम एंड डिजाइन मिक्स इन पैनल ऑफ अप्रूव साइज एज पर द अप्रूव ड्राइंग। ड्राइंग के अकॉर्डिंग ही सारा काम होना चाहिए। उसके जो बम कटर हैं, चेक रोड्स हैं, वो सारे के सारे एज पर ड्राइंग से ही होना चाहिए। उसकी जो फ्लोर की फिनिशिंग है, ठीक है। सब बेस सुपरविजन एंड टेस्ट, प्लेट लोड टेस्ट ऑन सब बेस शुड बी कंडक्ट एट एवरी 2000 स्क्वायर मीटर। जो हमारा एरिया है, जो हमारा वेयरहाउस के अंदर का एरिया है, जो फ्लोर का एरिया है, हर एक 2000 स्क्वायर मीटर पे एक प्लेट लोड टेस्ट होना चाहिए। प्रॉक्टर डेंसिटी टेस्ट ऑफ द सब बेस शुड बी मिनिमम 95%। उसका जो परसेंटेज होना चाहिए 95% प्लस अबव होना चाहिए ना, इससे कम नहीं जाना चाहिए। प्रॉक्टर डेंसिटी जो है, LDP शीट 200 माइक्रोन की LDP शीट होनी चाहिए। क्वालिटी ऑन लेवल सब बेस सरफेस ऑफ फ्लोरिंग, उसके ऊपर जो हम LDP शीट बिछाते हैं वो 200 माइक्रोन की होनी चाहिए। MM की नहीं, 200 माइक्रोन की, माइक्रोन MM से कम होता है। तो अभी हम आपको वीडियो बताएंगे, उसमें सारा क्लियर हो जाएगा आपको। ये आप थोड़ा सा समझ लो, जो इसकी स्पेसिफिकेशन है, डिजाइन क्राइटेरिया है। ओवरलैपिंग ऑफ 150 mm ऑन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन एंड 300 mm ऑन ट्रांसवर्स डायरेक्शन। जो हमारी पॉलिथीन है वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, जो लेंथ बड़ी है उसमें लैपिंग जो होनी चाहिए 150 mm होनी चाहिए। जो ट्रांसफर है, जो शॉर्ट लेंथ है, उसमें 300 mm का लैप होना चाहिए LDP शीट के अंदर में। तो कंक्रीट नो फ्लाई ऐश विल बी यूज, जो हमारे M30 कंक्रीट है उसके अंदर फ्लाई ऐश यूज नहीं होना चाहिए। 5% सीमेंटनेस मटेरियल शुड बी अलाउड। जो सीमेंट मटेरियल है वो 5% होना चाहिए, ठीक है। RMC विद सलम, कंक्रीट का जो सलम होना चाहिए जो हम ग्रेड सलाई में यूज करते हैं, 140 से 150 mm होना चाहिए इसका सलम। साइड मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट इज नॉट अलाउड, साइड मिक्स नहीं होना चाहिए क्योंकि उसमें जो है ना प्रॉपर तरीके से होमोजेनियस मिक्सर नहीं होता है। फ्लोर विल बी 150 mm थिक, ये हमने आपको पहले बता दिया है। फ्लोर जो है 150 mm थिकनेस का होना चाहिए, उससे ज़्यादा होना चाहिए। ये अप्रूव डिज़ाइन पे होना चाहिए, जो भी डिज़ाइन के हिसाब से थिकनेस आ रही है स्लैब की, ग्रेड स्लैब की, वो होना चाहिए। द डिज़ाइन ऑफ द फ्लोर एज पर FM2 स्पेसिफिकेशन, डिज़ाइन FM2 का जो स्पेसिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। कंट्रोल एंड कंस्ट्रक्शन जॉइंट प्रोवाइडिंग फिलिंग ग्रूव विद PU। जो हमारे ग्रूव्स हैं वो हम कटिंग कर दिए हैं हमने, उसका जो फिलिंग होना चाहिए वो PU से होना चाहिए या हार्डनर से होना चाहिए। सीलेंट ऑफ BSF मास्टर फ्लेक्स 474, ये नाम है इसका सीलेंट का, ठीक है ना, इससे फिलिंग होना चाहिए। टॉप 10 mm ऑफ सेक्शन फिल्ड बाई सीलेंट, जो ऊपर का टॉप 10 mm जो सेक्शन है वो सीलेंट से भरना चाहिए, बाकी के अंदर में जो नीचे है वो बैकर रॉड और सैंड से फिल होना चाहिए। साइज ऑफ द जॉइंट, जॉइंट का साइज कितना होना चाहिए इसमें, 4 mm बाई 50 mm सेक्शनल कंट्रोल जॉइंट, ये साइज होना चाहिए, ठीक है ना। ये कंट्रोल जॉइंट का है एंड कंस्ट्रक्शन जॉइंट का 4 बाई 50 mm कंस्ट्रक्शन जॉइंट, ये कंस्ट्रक्शन जॉइंट का साइज होना चाहिए। प्रॉपर प्रोवाइड एंड प्रॉपर फिक्स ऑफ डायमंड प्लेट डॉवल्स ऑफ 6 mm थिक। इसके अंदर में जो डायमंड डॉवल्स लगती है वो 6 mm थिक है, उसका साइज 100 बाई mm होता, 100 बाई 100 mm होता है, ठीक है। रिक्वायर्ड स्पेसिंग कुछ कुछ दूरी पर होता है, जैसे 1, 1.2, 1.3, ये का सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग होता है डाउल्स का, जो डायमंड प्लेट डाउल्स होती हैं। आइसोलेशन जॉइंट कॉलम्स, जो आइसोलेशन जॉइंट कहाँ देते हैं, या तो वॉल में देते हैं या कॉलम में देते हैं। सारे के सारे जॉइंट मैंने आपको बताए हैं पिछली वीडियो में, उसका डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तो ये जॉइंट्स सब आप समझ लेना, ठीक है ना। वो तो उससे क्लियर हो जाएगा कंस्ट्रक्शन जॉइंट क्या होते हैं, कौन कंस्ट्रक्शन
कंट्रोल ज्वाइंट क्या होता है, एस्पिरेशन ज्वाइंट क्या होता है, एक्सपेंशन ज्वाइंट क्या होता है, सब समझ में आ जाएगा आपको। फिलिंग ऑफ टॉप 10 mm ग्रूव विद BSF मटेरियल फ्लेक्स 4074, ये ग्रूव फिलिंग मटेरियल है जो मैंने आपको भी यहाँ बता दिया है। तो वही आइसोलेशन ज्वाइंट में भी फिलिंग होना चाहिए और कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट में भी फिलिंग होना चाहिए, तो वही सेम मटेरियल है यहाँ पर, तो इसको भी उसी मटेरियल से फिल करना है, इसको भी सेम मटेरियल से फिल करना है, ठीक है। आइसोलेशन ज्वाइंट्स लोकल रिक्वायरमेंट पैचिंग ऑफ नॉच इफेक्ट ड्यू टू द री एंट्रेंस कॉर्नर्स एट द कॉलम विद मीन्स ऑफ रेन्फोर्समेंट बार। जो हमारा आइसोलेशन ज्वाइंट जो होता है वो कॉलम में हम देते हैं, उसमें थ्री नंबर बार सकते हैं 8 mm डाई की ऑफ रिक्वायर्ड लेंथ इनटू अपर पार्ट ऑफ द फ्लोर, फ्लोर के ऊपर के पार्ट में हम ये जो है 8 mm डाई का बार्स लगाते हैं, ठीक है। इसके अंदर, इस आइसोलेशन ज्वाइंट्स के अंदर में जो जो कॉलम होता है, इसका मैं आपको एक वीडियो भी शेयर कर दूंगा, ठीक है ना, आने वाले उसमें जो आपको मैं बताने वाला हूँ लास्ट में वीडियो एक शेयर कर दूंगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कॉलम के अंदर आइसोलेशन ज्वाइंट कैसे देते हैं। ज्वाइंट्स प्रोडक्शन स्टील आर्मर, एक स्टील आर्मर ज्वाइंट होता है, प्रोवाइडिंग फिक्सिंग ऑफ स्टील आर्मर ज्वाइंट लोकेटेड एट हाई ट्रैफिक एरिया, जहाँ बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है वहाँ पर हम स्टील आर्मर ज्वाइंट देते हैं, इंक्लूडिंग ऑल टेम्परेरी फिक्सिंग विद स्पेशल जैक्स। नॉन मेटेलिक हार्डनर, हम इसके अंदर नॉन मेटेलिक हार्डनर भी यूज करते हैं। नॉन मेटेलिक हार्डनर टॉप ड्राई शेक फ्लोर हार्डनर्स शुड बी स्प्रेड विद मैकेनिकल हार्डनर स्प्रेडर, हैंड से भी हम स्प्रेड कर सकते हैं हार्डनर को, जो हम फिनिशिंग करते हैं, फिनिशिंग करने से पहले हम एक 4 kg पर स्क्वायर मीटर, 1 square meter के अंदर में यहाँ पे दिया हुआ है, 1 square meter में 4 kg हम हार्डनर को स्प्रेड करते हैं, उसके बाद हम फिनिशिंग करते हैं इसकी मशीन से, FM2 मशीन जो होती है, प्रीफेक्स मेक सीका, इसका ये मेक है जो हम हार्डनर यूज करते हैं, ठीक है। सीका का हो सकता है, BSF का, मास्टर टॉप का, 100 mm सर फ्लेक्स का, ये हार्डनर के मेक है, ठीक है। स्टील एनफोर्समेंट प्राइड एंड प्लेसिंग 6 mm वेल मैच टू बी यूज एज पर BS एट बॉटम एनफोर्समेंट कन्वेंशनल एनफोर्समेंट HYSG FE 500 स्टील टू बी यूज फॉर ग्रेट स्लैब, इसमें 6 mm की वेल मैच भी यूज कर सकते हैं, वरना हम HYSG FE 500 8 mm डाई का भी वायर यूज करते हैं, मोस्टली हम 8 mm डाया का वायर यूज करते हैं, उसका डाया का जो स्पेसिंग होता है 250 तक होता है, 200 से 250 तक होता है, 8 mm का बार होता है, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग होती है इसकी 200 250, और इसमें तकरीबन 35 kg पर क्यूबिक मीटर, 35 kg यानी 1 क्यूबिक मीटर के अंदर में 35 kg स्टील लगता है इसके अंदर, फ्लोर के अंदर में, ये आपका डिजाइन क्राइटेरिया है, आप इतना ले सकते हो, ठीक है। जैसे फ्लोर की थिकनेस बढ़ेगी इसका कंजप्शन बढ़ता चला जाएगा। प्लेस विद 50 mm बॉटम कवर, बॉटम में 50 mm का कवर लगाते हैं जब हम जाल बिछाते हैं। पैनल शुड बी ओवरलैप बाई 200 mm इन बॉटम डायरेक्शन, अगर हम वेल मैच लगाते हैं तो उसका ओवरलैप 200 mm होना चाहिए दोनों डायरेक्शन में, और अगर हम 8 mm डाई का यूज कर रहे हैं तो लैपिंग होना चाहिए 50D के अकॉर्डिंग, ठीक है। स्टील एनफोर्समेंट की जगह हम क्या करते हैं कि स्टील फाइबर भी यूज करते हैं TR-34 फॉर द डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। वो हम पूरा जो हमारा फाइबर होता है वो डूरा फ्लोर का भी हो सकता है और भी अलग मेक आते हैं उनका भी हो सकता है, तो डूरा फ्लोर का भी मोस्टली यूज होता है हमारा, ठीक है। डूरा फ्लोर का जो फाइबर होता है वो 12 kg पर क्यूबिक मीटर होता है, अगर हम हमें डिज़ाइन करवाना है तो वो इकोनॉमिक डिज़ाइन रहता है हमारा। क्योरिंग कंपाउंड, क्योरिंग टू बी डन यूजिंग BSF मास्टर क्योर 181 और क्यूलेंट, एक क्योरिंग कंपाउंड होता है, अगर हमें क्योरिंग नहीं करनी है तो कंपाउंड को मिक्स कर दें कंक्रीट के अंदर में, तो हमें क्यूरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो कंपाउंड हम मिक्स कर सकते हैं, वैसे जनरली हम क्यूरिंग करते हैं। कवरिंग विद एंटायर सरफेस पॉलीथीन शीट्स फॉर ए पीरियड ऑफ 7 to 10 days, 7 से 10 दिन तक हम उसको क्योर करते थे। अब मैं आपको जितना भी मैंने आपको बता दिया है सारा का सारा वीडियो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाऊंगा, वो आप देखोगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा आपको कि FM2 फ्लोरिंग कैसे करते हैं। ये तो सारे स्पेसिफिकेशन है, ये डिज़ाइन क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए, अगर ये आपको पता है तो आपको डिज़ाइन करने में FM2 फ्लोरिंग में क्या क्या यूज़ होता है वो करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो अब आप देखो वीडियो।
दोस्तों, मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, ताकि इस वीडियो के जरिए से और CI चैनल के माध्यम से सभी को जो है फ़ायदा हो। और आजकल वेयरहाउस का काम बहुत चला है मार्केट के अंदर में, तो ये सबको बेनिफिट होगा इस वीडियो से। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सबको फ़ायदा होगा, मेरा भी फ़ायदा होगा। जितना वीडियो ये स्प्रेड होगा, शेयर होगा, उतना ही जो है मेरे को सब्सक्राइब मिलेंगे और यूट्यूब मेरे को जो है थोड़ा प्रमोट करेगा, और आपका बेनिफिट ये होगा, आपको बैठे बैठे जो नॉलेज मिल रही है, आपके दोस्तों को नॉलेज मिल रही है। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर करना, ठीक है? अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, शुभ खैर।